वो शिवाजी महाराज ने उसका काम कराया था। और मनिक बाद में क्या है आप बता रहे हैं? जफर सर, वेयर कैन वी गेट इन टच विद यू ड्यूरिंग नॉर्मल? यू कैन प्लीज सर्च जफर अंसारी म्यूजियम ऑफ इंदौर। आई एम मेकिंग माई प्राइवेट म्यूजियम। और मेरे कुछ किस्मत में कि मेरे दोस्त हैं वो कैलाश पांडे एडीएम इंदौर, उन्होंने मुझे बुलाया था, रातों रात से मुलाकात कराई। तो पिछले 30 सालों से मैं ये पूरी आर्काइव्स में लगा हूँ, लंदन, फ्रांस, जर्मनी, सभी दूर से होलकर से रिलेट कोई भी चीज़ मिलती है मुझे। मैं 30 सालों से ये काम कर रहा हूँ। इंदौर पे एक बहुत अच्छी खूबसूरत लाइब्रेरी आने वाली है, जो इंदौर के जो रिसर्च करेंगे, जो स्टूडेंट्स आने वाले वक्त में, दिस इज द ओरिजिनल लेटर ऑफ ओसमान भुजांग, तो वहाँ आप आ सकते हैं, देख सकते हैं। एंड वेरी शॉर्टली विद इन 6-7 मंथ वो लाइब्रेरी स्टार्ट होगी। मेरे फोर फादर्स भी होलकरों के टच में रहे, आप उनका रिजर्वेशन बता दीजिए। मेरे पास लैंप्स बहुत सुंदर, अच्छा, जो घासलेट से ऐसी पलंग की निवार नहीं आती वैसी बत्तियों से चलते हैं। और मुझे याद है हम अपने बचपन में लाइट जाती थी तो उसकी सफेद नलियां पूरा व्हाइट बल्ब की तरह लाइट देती थी। बीच में सलमान खान पे किताब हुई इंदौर में, सलमान खान बींग सलमान, तो उनके फोर फादर इंदौर में थे, वो आए कि सलमान खान पे किताब लिख रहे हैं, वो म्यूजियम गए तो उन्होंने कहा साहब एक ही शख्स जो आपको बता सकता हूँ मेरे पास आए। मैंने कहा किस ईयर में आपके फादर जो थे वो यहाँ पर एसपी से भी आई थी? उन्होंने कहा फला फला। मैंने कहा आप एक हफ्ता दीजिए मैं आपको सब दे दूँगा। वो एक हफ्ते बाद मेरे पास आए, मैंने बताया कि उनकी इतनी तनख्वाह थी, उनके इस ज़माने में इतनी तनख्वाह बनी, वो CIG बने, उनका नाम अब्दुल रशीद था, उनके फादर का नाम था, उनके फादर आर्मी में थे, तो वो बड़े खुश हुए। फिर उनका एक बक्कल था आर्मी का, वो मेरे पास था, तो उनका बक्कल मैंने उनको दिया कि ये उनका वो पहनते थे ये बक्कल, उस पर होलकर आर्मी लिखा था, होलकर कोट ऑफ आर्म्स बनाया था। बड़े खुश हुए, किताब के अंदर बीन सलमान ने छपाया था। एक चाबी वाली पेंडुलम वाली घड़ी वो भी उस समय की हमारे पास है और अभी चालू है। ये सब चीज़ों को भी इमारतों के साथ में हमें रखना चाहिए, हमें बड़ा एक्चुअली वो एक फीलिंग देती है, अब उसकी आवाज़ और उसका मूवमेंट बहुत बहुत जमाना जाता है। मेरे फादर अभी 86 की एज के, वो अभी भी 8 दिन चलती है शादी। थैंक यू सो मच, मैं आपका सबका बड़ा धन्यवाद करूँगा जो आपने कीमत वक्त निकाला। सर सबसे पहले तो हम लोग आभारी हैं भाई जफर के कि उन्होंने इतनी अच्छे तरीके से हमें ये सारी चीज़ बताई है। एक लाइन कभी आपने सुना होगी कि सुना है हर जवां पत्थर के दिल में आग होती है, इन सारे पत्थरों के दिल में आग है, लेकिन इसको महसूस हम तब कर सकते हैं जब हमारी रहनुमाई कोई जफर भाई जैसा व्यक्ति करे। तालियां इनके लिए बहुत। थैंक यू सो मच। और एक सबसे अच्छी बात जो ये होती है कि आभार के साथ साथ अगर मुँह मीठा हो जाए तो और भी मज़ा आता है हमारे इस सफ़र में। हम सब हमेशा इंदौर के क्या पूरी भारत के पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरी हिंदुस्तान की तारीख के लिए और पूरी हिंदुस्तान की ऐसे मॉन्यूमेंट्स के लिए हमेशा हम सफ़र रहेंगे। आज हमारे जो खाने के हम सफ़र हैं और जो खाना प्रायोजित कर रहे हैं, जो भी मुंह मीठा करने के लिए हमारे आदरणीय बीमा वाले सर, प्लीज सर। हम सभी लोग अभी यहाँ प्रशांत का पोहा लेंगे, उसके बाद नागौरी की शिकंजी जिसे कि अमृत तुल्य माना गया, अमृत पेय है, तो आप सभी आमंत्रित हैं, प्लीज वेलकम।